इंदौर एसटीएफ ने एक ऐसे फर्जी एसटीएफ अधिकारी को गिरफ्तार किया जो पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर युवकों से ठगी करता था। पकड़े गए आरोप के कब्जे से फर्जी आई कार्ड, नकली पिस्टल, खाकी वर्दी, वायरलेस सेट और अन्य दस्तावेज बरामद किए। इंदौर एसटीएफ पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी पुलिसकर्मी द्वारा युवाओं को एसटीएफ और क्राइम ब्रांच में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए दिए गए। सूचना पर गोमटगिरी पहुंची पुलिस की टीम ने पुलिस की वर्दी में घूम रहे एक युवक से पूछताछ की। उसने पहले अपने आप को एसटीएफ में उप निरीक्षक बताया, जिस पर एसटीएफ पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची, जहां सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम रोहित शर्मा बताया, जो पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। पकड़े गए आरोपी से एक नकली पिस्टल, खाकी वर्दी, वॉकी टॉकी और एक फर्जी आई कार्ड बरामद किया। आरोपी से पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। 20 में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसको अभियोजन इसके विरुद्ध किया गया। एक महीने जेल भी रहा, फिर वहां से जेल से जमानत पे छूटने के बाद अभी इसने फिर से ये जो है जून से काम करने का ऐसा भी प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि जून से ये कार फिर चालू कर दिया था और इस तरह की अवैध गतिविधि में लिप्त हो गया था। ये लोगों को बताता था कि मैं इस तरह आपकी भर्ती करा दूंगा, क्योंकि ये वायरलेस सेट और इसके पास एक पिस्टल भी मिली है, जो पिस्टल बेसिकली लाइटर है, तो वो लाइटर है वो भी, और इसके अलावा दो वायरलेस सेट इसने ऑनलाइन बुलाए थे, वो जो सेट हैं उनको दिखा के और वर्दी और इसका अपना आईडी दिखा करके स्वयं को पहले एसटीएफ का अधिकारी होना बताता था, और फिर बताता था कि इनका जो है टेंडर निकला है और टेंडर में आपकी बैक ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी, कंप्यूटर चलाने का काम होगा, ऑफिस आवर्स होंगे और आपको अच्छी एक तनख्वाह मिलने लगेगी। और फिर ये इस तरह उनको फिर व्हाट्सएप के माध्यम से फाइल नंबर वगैरह बना के भेजता था कि आपकी ये फाइल ये नंबर पे रजिस्टर्ड हो गई है, आपको फलाने फलाने दस्तावेज देने हैं और उसके आईडी के दस्तावेज इत्यादि लेकर के फिर उनको इस तरह से पूरी तरह बहकावे में लेके धोखा देकर उनको इस तरह के पूरी तरह से तैयार कर देता था कि वो इसके विश्वास में आ जाते थे। और इसी बीच में क्योंकि इन लोगों की नौकरी नहीं लगी और फिर इसकी सूचना हमारी इकाई को मिली तो टीम लगा के इसके विरुद्ध ये वैधानिक कार्रवाई की गई। ये अभी तो एसटीएफ और क्राइम का बोलता था, अभी जो बात सामने आई अभी इसको रिमांड पे लिया है और जो अन्य शिकायतकर्ता भी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं उनके कथन लिए जाएंगे और स्थिति स्पष्ट होगी। इंदौर से एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।